तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे ऑप्टिकल फाइबर सेंसर को अपनी एप्लीकेशन के लिए। मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल ही बताऊंगा कि किस वर्किंग प्रिंसिपल में हमारा वर्क करता है ऑप्टिकल फाइबर सेंसर, और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस सेंसर को किस किस एप्लीकेशन में आप यूज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे ये चीज कहना चाहता हूं कि अगली वीडियो एक Q&A सेशन रहेगा, तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस में से रहते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी हो सकता है, कोशिश करिए टेक्निकल थोड़ा कम रखिए। टेक्निकल के आंसर तो मैं वैसे ही कर देता हूँ अपनी वीडियोस में। आप मेरे से वहाँ पे Q&A में जो भी आप कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर डेफिनेटली करूँगा, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ ऑटोमेशन फील्ड में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर सेंसर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर सेंसर लगी होती है, ये होता है हमारा सेंसर का सेंसिंग पार्ट, जिसको हम बोलते हैं फाइबर हेड, और ये होती है हमारी ऑप्टिकल फाइबर जो इसको कनेक्ट करेगी, और इसको कनेक्ट करके हम एक एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे होता है वो होता है TIR, विच स्टैंड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट का मिनिमम लॉस होता है। तो ऑपरेशन में करते क्या है, ये हो गया हमारा सेंसिंग पार्ट, और ऑप्टिकल फाइबर से हम कनेक्ट करेंगे अपना एम्पलीफायर का पार्ट। तो एम्पलीफायर पार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, एम्पलीफायर पार्ट में भी आप देख सकते हैं दो पोर्ट लगे हुए हैं, एक पोर्ट है हमारा ट्रांसमीटर का और एक पोर्ट है हमारा रिसीवर का, और उसी के साथ हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें भी हमारे दो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, एक है हमारा ट्रांसमीटर का और एक है हमारा रिसीवर का। तो हम ऑपरेशन करते वक्त इसको देखो कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें इस ऑप्टिकल फाइबर में आप देख सकते हैं ये हमारा एम्पलीफायर पार्ट है, इसको हमें इस तरह से ओपन करना है। ये हो गया इसका फ्रंट पार्ट, यहाँ पे क्लॉकिंग मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले इसको यहाँ से ओपन कर देना है। ये हो गई हमारी ओपन की स्टेट। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में दो पॉइंट है हमारे, तो हम ट्रांसमीटर वाला साइड को हम ट्रांसमीटर वाली साइड पर लगा देते हैं और रिसीवर वाली साइड को रिसीवर वाली साइड पर लगा देते हैं। मैंने अब यहाँ पर लगा दिया, और अब हम क्या करेंगे, इस लॉकिंग बटन को प्रेस करेंगे। अब इससे क्या होगा, ये हमारी फाइबर यहाँ पे लॉक्ड हो जाएगी, जिससे यहाँ पे इसको मूव नहीं करेगी। हम इसको बंद करेंगे और अब हमारा ये सेंसर रेडी है इसको यूज़ करने के लिए। हमने सेंसर को लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कोई भी टारगेट आता है सेंसर के सामने, कोई भी हमारा ऐसा टारगेट जिसका साइज बहुत कम है, वहाँ पर हम इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हमें पॉइंट साइज का कोई टारगेट हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर सेंसर को यूज़ करते हैं। तो जैसे कोई टारगेट पास होता है सेंसर हमें सिग्नल देता है, तो जो सेंसर हमें सिग्नल देगा, अब यहाँ पे सेंसर की आउटपुट में तीन वायर है, तो हर सेंसर की तरह इसमें भी यही कंसेप्ट है कि दो वायर हो गई सप्लाई की जो पॉजिटिव नेगेटिव है, और तीसरी वायर है हमारी आउटपुट वायर जो हमारी PNP टाइप आउटपुट हो सकती है या फिर एक NPN टाइप आउटपुट हो सकती है। आप लोगों को यहाँ पे एक सेंसिंग रेंज एडजस्टमेंट का भी पोर्ट मिलेगा, जिससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि किस सेंसिंग डिस्टेंस पे आपको आउटपुट ट्रिगर करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाओगे तो आप देखोगे जो टारगेट है वो एक अलग अलग रेंज पे वहाँ पे माउंटेड हुए हुए हैं, तो हमें वहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस डिस्टेंस पे हमें आउटपुट को ट्रिगर करना है। और एक बात यहाँ पे जाननी जरूरी है, ऑप्टिकल फाइबर की खास बात ये होती है कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत फ्लेक्सिबल होती है, तो हम इसको ऐसी जगह पे माउंट कर सकते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ऐसी जगह हो सकती है इंट्रिंसिक प्लेस, जहाँ पे हम कोई ऐसा सेंसर माउंट नहीं कर सकते, चाहे वो एक सिलेंड्रिकल टाइप का सेंसर हो गया, पर यहाँ पे हम ऑप्टिकल फाइबर को बहुत आसानी से वहाँ पे माउंट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा ऑप्टिकल फाइबर सेंसर, आप देख सकते हैं जैसे कोई भी टारगेट सेंसर की सेंसिंग रेंज में आता है सेंसर हमारा लोड को ऑपरेट कर देता है। और मैं इसके पार्ट टू में आपको इसकी वायरिंग समझाऊंगा कि कैसे हम इस सेंसर को वायर करेंगे। ये मेरा एक थ्रू बीम टाइप का ऑप्टिकल फाइबर, आप देख सकते हैं एक साइड पे यहाँ पे ट्रांसमीटर लगा होता है और एक साइड पे रिसीवर लगा होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना ज़रूरी है कि जो ऑप्टिकल फाइबर का फाइबर हेड है ये हमारा एक डिफ्यूज़ टाइप का फाइबर हेड है। डिफ्यूज़ टाइप का मतलब ये होता है कि हमारी एक ही हाउसिंग में ट्रांसमीटर और रिसीवर लगा होता है, तो जैसे कोई टारगेट इसके सामने आएगा तो सेंसर हमें सिग्नल दे देगा। पर ऑप्टिकल फाइबर हमारा थ्रू बीम टाइप का भी हो सकता है। थ्रू बीम टाइप का मतलब ये होता है कि हमारा एक साइड पे हमारा ट्रांसमीटर लगेगा और एक साइड पे हमारा रिसीवर लगेगा। तो अब देखो ऑपरेशन में करते क्या हैं,
हम इसको माउंट करते हैं। अब जैसे कोई भी टारगेट इन दोनों के बीच से पास होएगा, सेंसर हमें सिग्नल दे देगा। ऑटोमेशन में इस सेंसर के बहुत फायदे हैं। एक फायदा यहाँ पे ये है कि हम इस एम्पलीफायर पार्ट को कहीं और माउंट कर सकते हैं, और ये जो हमारा जो पार्ट है, जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट है, हम इसको ऐसी जगह पे माउंट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा केमिकल्स का काम हो रहा है या लिक्विड्स का काम हो रहा है। क्योंकि हम ये बात जानते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को इफेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, जो हमारी मोटर्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिस्टॉर्ट होती है और उसमें डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमें सेंसर को लगाना है, हम इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं, इस एम्पलीफायर पार्ट को दूर डिस्टेंस पे लगाएंगे और सेंसर को उस पार्ट पे लगाएंगे जहाँ पे हमें टारगेट को डिटेक्ट करना है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस हो, वो इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको पूरा कंसेप्ट बताऊं कि हम ऑप्टिकल फाइबर सेंसर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ताकि आप इस सेंसर को, कोई भी ऐसी कोई एप्लीकेशन हो सकती है जहाँ पे हम एक नॉर्मल फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे हमें एक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर ही यूज़ करना है। ऑप्टिकल फाइबर सेंसर हमें ऐसी एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे टारगेट की फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट है, जिसमें टारगेट बहुत तेज़ी से पास हो रहा है सेंसर के सामने, वहाँ पे भी हम ऑप्टिकल फाइबर को सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या कोई भी आपके जो डाउट्स हैं, अगली वीडियो में Q&A सेशन रखूँगा, जिसमें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हुए, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर कर पाऊँ और आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि कैसे हमें चीज़ों को ऑटोमेट करना है। मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक यही है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड, वो आपके पास सबसे पहले है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।